जैसा कि आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं जैक के बारे में, तो पहले मैंने आपको वीडियो में जितने भी मोबाइल फ़ोन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो वन बाय वन करके मैंने आपको बताया हुआ है। आप लोगों ने सीखा भी है और कुछ बच्चों के मुझे कमेंट भी आए हैं कि सर ने मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, मुझे अगला वीडियो कब मिलेगा। तो एक दो दिन वीडियो आपको नहीं दे पाया क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अब मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ जैक के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आएगा उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जैक को हम लोग चेक कैसे करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं जैक। जैक मोबाइल फ़ोन में एक ऐसा पार्ट्स होता है, ये क्या काम करता है, बाहर की चीज़ों को कनेक्ट करता है। जैसे बाहर की चीज़ों में क्या हो गया, जैसे चार्जर हो गया, सिम हो गया, हैंड फ्री हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया या OTG केबल हो गया, या इस तरीके से जो बाहर की चीज़ें होती हैं जो मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होती हैं, तो वो जैक का काम होता है। जैक का काम होता है उन चीज़ों को कनेक्ट करना और अंदर उसकी प्रेजेंट को शो करना जिससे वो सारी चीज़ें कनेक्ट हो सकें और काम कर सकें। तो जैक, सबसे पहले जैक आता है आपका जैसे चार्जिंग जैक। चार्जिंग जैक क्या काम करता है, मोबाइल फ़ोन में बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। अगर आप देखेंगे इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना होता है, ये जैक की पिनें होती हैं। ये जैक में जो साइड में होता है इन्हें हम लोग लॉक बोलते हैं। जब भी आप जैक लगाएंगे तो इस लॉक को प्रॉपर तरीके से लगा देंगे। अगर आपने लॉक प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया तो जैक आपका सही से नहीं लगेगा। जैसे कोई कस्टमर या यूजर जो जैसे चार्जिंग पे लगाएगा तो लॉक बार बार उखड़ जाएगा, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। ये जो पीछे की पिन जो होती है इनको हम लोग बोलते हैं पिनें। क्या बोलते हैं, पिन। ये क्या काम करती हैं, ये सप्लाई को ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं, मतलब करंट आगे की तरफ भेजने का काम करती हैं। तो जब तक ये पिनों को आप नहीं लगाएंगे सही से तब तक आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग नहीं होगी। जैक तो लग गया लेकिन चार्जिंग फिर भी नहीं होगी, तो ये जैक होता है, इसे हम बोलते हैं चार्जिंग जैक। चार्जिंग जैक जो होते हैं मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं, वो आपको नेट पे गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, या आपके पास रिपेयरिंग के लिए बहुत सारे जैक जब आप आएंगे तो उनको देख करके समझ जाएंगे। दूसरी चीज़ आती है बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर जो होता है इस तरीके से तीन पिन का होता है। तीन पिन में से एक पिन प्लस होती है, एक पिन माइनस होती है, एक पिन जो होती है जिसे हम लोग बोलते हैं BSI। BSI का पूरा नाम होता है बैटरी सेंसिंग इंडिकेटर। और अब आजकल के जो मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं उसमें पत्ते वाली बैटरी आ रही है, इस तरीके से पत्ते वाली बैटरी में एक साइड का हिस्सा क्या होता है पॉजिटिव होता है, एक साइड का हिस्सा नेगेटिव होता है, एक पॉइंट जो होता है टेम्परेचर का होता है, एक पॉइंट जो होता है बैटरी ID का होता है। ID का मतलब होता है आइडेंटिटी, ये पहचान कराता है कि बैटरी आपके प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, कितना परसेंट चार्ज है, ये सारी चीज़ों के बाद दिखाता है। तो पहला होता है चार्जिंग जैक, दूसरा आपका होता है बैटरी कनेक्टर। अब हम बात करते हैं आगे, बैटरी कनेक्टर के बाद आपका तीसरी चीज़ आती है जिसे हम लोग बोलते हैं सिम जैक। सिम जैक का काम होता है मोबाइल फ़ोन को सिम कार्ड को रीड करना। जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे फ़ोनों में जो सिम जैक जो आता है ये 6 पिन का आता है। सिम जैक कितने पिन का पाया जाता है, 6 पिन का पाया जाता है। 6 पिन का सिम जैक होता है, कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसे आते हैं जिसमें सिम जैक 8 पिन का भी पाया जाता है, लेकिन जो सिम जैक जिस पिन में 8 पिन का होता है उसमें दो पिनें हमारी क्या होती है एक्स्ट्रा होती हैं, क्योंकि जब आप सिम कार्ड को उसके ऊपर रखेंगे तो दो पिनें एक्स्ट्रा होंगी, कनेक्ट नहीं होंगी, तो दो पिन हमारी एक्स्ट्रा होती हैं, इसलिए सिम जैक जो होता है हमारा 8 पिन का ही 6 पिन का ही पाया जाता है, सॉरी। उसके बाद आपका आता है मेमोरी जैक। मेमोरी जैक जो भी मोबाइल फ़ोन पाए जाते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में मेमोरी जैक 8 पिन का पाया जाता है। 8 पिन का मेमोरी जैक पाया जाता है, इसे माइक्रो SD बोलते हैं। जो पहले पुराने टाइम पर जो मेमोरी कार्ड आता था वो 7 पिन का भी आता था, ये बहुत पहले समय की बात है, तब 7 पिन का मेमोरी कार्ड आता था, लेकिन अब ये मेमोरी कार्ड बंद हो गया। अब जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आएंगे सारे मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड आपका ये 8 पिन का ही पाया जाता है, यही वाला मेमोरी कार्ड यूज हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं मेमोरी जैक। उसके बाद मेमोरी जैक के बाद आपका आता है हैंड फ्री जैक। हैंड फ्री जैक क्या काम करता है, ये हैंड फ्री के लिए यूज किया जाता है। इसका काम होता है हेडफोन को कनेक्ट करना। क्या काम होता है इसका,
हेडफोन को कनेक्ट करना। ये आपका हैंड फ्री जैक होता है, ये इसमें पिने होती हैं जो कनेक्टिविटी करने का काम करती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हैंड फ्री जैक। हैंड फ्री जैक के बाद फिर आपका आता है ऑन ऑफ बटन या वॉल्यूम बटन। ऑन ऑफ बटन जो होता है वो इस तरीके का बना होता है, साइड में नीचे दो पिने होते हैं, जब आप दबाते हैं तो दो पिने आपस में शॉर्ट हो जाती हैं। ये दो पिने एक होती हैं, दो पिने एक होती हैं, या तो ऐसे गोला होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन ऑफ बटन बोलते हैं। ऑन ऑफ बटन क्या काम करता है, सेट को चालू बंद करने का काम करता है, सेट को ऑन ऑफ करने का काम करता है। तो ये हमारे मोबाइल फ़ोन के, मैंने आपको बताया इतने तरह के जैक पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं, मतलब बाहर की चीज़ों को अंदर से कनेक्ट करने का काम करते हैं, वर्किंग करने का काम करते हैं। अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो ख़राब होने का कारण क्या रहता है, ये अगर डैमेज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे, तो ये ख़राब हो जाते हैं। जब ख़राब हो जाएंगे तो हम लोग क्या काम करेंगे, इनको सीधे सीधे चेंज कर देते हैं, इनका कोई रिपेयरिंग नहीं करना होता, इनको चेंज करना ही इनकी रिपेयरिंग है। वो बाकी अभी प्रैक्टिकल क्लास में आप सीखेंगे एक एक करके, वन बाय वन करके कैसे हम आपको चेंज करके दिखाएंगे। जैक को चेंज करने के दो तीन तरीके होते हैं। तो पहला तरीका होता है कि जैक को हॉटगन से निकाल करके हॉटगन से ही लगा देना। दूसरा तरीका होता है कि जैक को हॉटगन से निकालना, सोल्डिंग आयरन के द्वारा लगा देना। तो इस तरीके से जो दो तीन तरीके होते हैं वो आप सारे जैक को चेंज करना आप सीखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज मैंने आपको टॉपिक में बताया कि हैंड फ्री जैक, चार्जिंग जैक, सिम जैक, मेमोरी जैक, बैटरी कनेक्टर, इन सब चीज़ों को कैसे पहचानते हैं, वो कितने पिन के पाए जाते हैं, ये सारा चीज़ मैंने सीखा हुआ है। और जो भी सारे स्टूडेंट जो भी सारी चीज़ें सीख रहे हैं उन चीज़ों को नोट करिए। नोट करने के बाद ही अपना नंबर है 6391711711, इस नंबर पर मैसेज करिए ताकि हम भी समझ सकें आप सारी चीज़ों को सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अब देखिए मैं आपको बताता हूँ बोर्ड में जैक कैसे लगा होता है। अगर आप बात करेंगे बोर्ड में पीसीबी के बारे में, तो देखिए मैं आपको पीसीबी में दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास फ़ोन है तो ये आपका लगा हुआ, सबसे पहले फर्स्ट जो ये लगा हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग जैक। ये आपका चार्जिंग जैक लगा हुआ है। चार्जिंग जैक के बाद फिर आपका जो ये लगा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं बैटरी कनेक्टर। चार्जिंग जैक के बाद जो आपका दूसरा टॉपिक लगा हुआ है, इसे हम लोग बोलेंगे बैटरी कनेक्टर। ये आपका बैटरी कनेक्टर है। और ये आपका लगा हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं मेमोरी जैक। ये आपका लगा हुआ है सिम जैक है। और ये आपका लगा हुआ है हैंड फ्री जैक है। ये आपका चार्जिंग जैक है। ये आपके मोबाइल फ़ोन में अगर देखेंगे तो ये आपके एंटीना के पॉइंट्स होते हैं, इस चीज़ को हम लोग इंटरनल एंटीना बोलते हैं। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर मोस्टली यही जैक पाए जाते हैं, कौन सा, चार्जिंग जैक, बैटरी कनेक्टर, मेमोरी जैक, सिम जैक, हैंड फ्री जैक। ये सारे जैक जो होते हैं अलग अलग डिज़ाइन के पाए जाते हैं। वो अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन में यूज होते हैं, या उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लोग क्या काम करते हैं एक एक करके वन बाई वन करके सही करते हैं। जैसा कि आज के टॉपिक में आपने लोगों ने देखा कि किस तरीके से जैक को हम लोग पहचानते हैं और जैक को चेक करते हैं। ये बैटरी कनेक्टर, मेमोरी जैक, हैंड फ्री जैक, सॉरी ये हैंड फ्री जैक, ये सिम जैक, और ये आपका चार्जिंग जैक। ये चार्जिंग जैक में जो साइड के लगे होते हैं इनको हम लॉक बोलते हैं। ये पिने होती हैं, ये पिने जो होती हैं मेन होती हैं जो काम करती हैं। अभी हम क्या करेंगे, वन बाई करके इनके जो भी सारे ट्रैक्स होते हैं, सारे ट्रैक को हम लोग क्या करेंगे, चेक करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रैक को क्या करेंगे, चेक करेंगे, ट्रैक को चेक कैसे किया जाता है, ये भी सारा चीज़ हम इस क्लास में फिर आएंगे आपको सिखाएंगे। क्या है कि जो भी सारे जैक होते हैं, सारे जैक के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, आप समझिए, वन बाई वन करके नोट करिए। नोट करने के बाद कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे मैसेज करिए, या मेरा नंबर है 6391711711, इस नंबर पर मैसेज करिए और एक एक करके सीखिए। आपको कल मैं आपको जो अगला टॉपिक होगा, मैं आपको आईसी के बारे में बताऊंगा कि आईसी को कैसे मोबाइल फ़ोन में पहचाना जाता है, कौन सी आईसी होती है, क्या काम करती है, क्या वर्किंग होती है, उसके बारे में पूरा टॉपिक मैं आपको डिटेल से आपको समझाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।